गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 यूनिट 2 एक्सरसाइज 2.5। हमारे पास जो 2.5 में क्वेश्चंस रहते हैं वो मैक्सिमम क्वेश्चन ऑफ मोनोनोमियल इक्वेशन के, मोनोनोमिक इक्वेशन भी बोलते हैं हम। तो हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं उस इक्वेशन में सिर्फ सिंगल वेरिएबल एक्स रहता है इस टाइप का, तो हमें सारे के सारे क्वेश्चंस में एक्स के वैल्यूज निकालने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट करेंगे जैसे हमने लास्ट तो क्वेश्चन से उनमें किया, लेट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड रहती है इस साइड की होती है और राइट हैंड साइड इस साइड पर, तो हम x बाई टू राइट करेंगे माइनस y बाई टू इक्वल्स टू x बाई थ्री प्लस 1/4। तो हमें अब x बाई टू है और जो x बाई थ्री है उनको एक साइड इकट्ठा करना है, तो हम x बाई टू और जो x बाई थ्री है वो यहां से जब इस साइड आएगा तो माइनस का हो गया, जब 1/5 इस साइड से इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनके एलसीएम हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी कर देते, तो हमारे पास 6 आ गया, तो ये बचा 3x माइनस 2x इक्वल्स टू जैसे 2 3 6 हुआ। हमने जब 3 बचा उससे ऊपर मल्टीप्लाई किया 3x आ गया, 3 से 6 को डिवाइड किया 3 2 6 हुआ, अब 2 से मल्टीप्लाई करते 2x आया। अब सेम 5 4 20 रहता है तो क्या आ गया 4 5 20 5 प्लस तो 5 4 20 तो 4। इसी के बाद हम राइट कर रहे हैं x अपॉन 6 इक्वल्स टू, तो 2 3x से जब हम 2x को माइनस करेंगे तो x बचेगा, 5 प्लस 4 9 होता है तो 20। अक्रॉस मल्टीप्लाई किया x इधर रह गया 6 इस साइड को गया, 9 मल्टीप्लाई 6 अपॉन 20 आ गया। हम कट करेंगे 2 3 6 2 10 20, तो हमारे पास आंसर आ गया 27/10। ये हमारे पास x की वैल्यू 27/x। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू में है n बाय 2 माइनस 3n बाय 4 प्लस 5n बाय 6 इक्वल्स टू 21। हमने क्वेश्चन राइट किया n बाय 2 माइनस 3n बाय 4 प्लस 5n बाय 6 इक्वल्स टू 21। तो हम फर्स्ट ही स्टेप में हम पहले जैसे राइट किया था लेट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड वो लिखेंगे, देन उसके बाद करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एलसीएम लेना है 2 1 2 2 2 4 2 3 6, 2 से अगेन 2 1 2 3 3 से अगेन 3 1 1 1। हमारे पास मल्टीप्लाई करने पे आ गया 3 2 6 6 2 12, तो हमारे पास 12 आ गया। जब हम 2 से 12 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 6 आता है, 2 6 12 तो 6 है, 4 से 12 को किया 4 3 12 3 3 9 है प्लस 6 2 12 तो 10 है, 5 2 10 एन साथ में इक्वल्स टू 21। तो हम जब सब्सट्रैक्ट करेंगे 6 से 9 को सब्सट्रैक्ट किया तो माइनस का 3n रहा और 10n 12 इस साइड मल्टीप्लाई में गया, राइट कर लिया, ये हमारे पास बचा 7n इक्वल्स टू 21 मल्टीप्लाई 12। तो n की जो वैल्यू आती है वो आ गई 7 3 21 होता है 3 मल्टीप्लाई 12, दैट इज 36। हमारे पास कितना आंसर आ गया 36। अब हमारे पास इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थ्री में लिखा है x प्लस 7 माइनस 8x अपॉन
3 इक्वल्स टू 17 बाय 6 माइनस 5x बाय 2। हमने क्वेश्चन राइट किया x प्लस 7 माइनस 8x बाय 3 इक्वल्स टू 17 बाय 6 माइनस 5x अपॉन 2। हमें दोबारा से अगेन वही स्टेप्स राइट कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। देन हमें अब सिर्फ वेरिएबल्स इकट्ठे कर रहे हैं, मैंने x लिखा 8x ओवर 3 लिखा क्योंकि ये वेरिएबल्स थे। 5x बाय 2 माइनस का है तो इस साइड किसका आ जाएगा 5x बाय 2 प्लस का 17 बाय 6 लिखा। अब ये 7 यहां से प्लस का इस साइड आया माइनस का हो गया। जब हम एलसीएम लेंगे हमारे पास एलसीएम आएगा 6, यहां आ गया 6x माइनस 3 2 जा 6 होता है 2 8 से मल्टीप्लाई किया तो 16 आ गया, 2 3 जा 6 होता है। तो हम जब किससे अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 आ जाएगा और इस साइड एलसीएम दिया तो 14 माइनस 17 माइनस 7 के नीचे 1 42 आ गया अपॉन 6, 6 से 6 कट हो गया। हमने 16x से 15x माइनस किया, हमारे पास सिर्फ x ही रहा और 17 से 42, तो 17 और 42 ये राइट किया 3 12 5 और 2 बचा, तो हमारे पास आ गया 7 से 12 को माइनस करेंगे 5 आता है, 1 2 आया 25, हमने 25 राइट की माइनस की 5x इक्वल्स टू 25, 5 से कट किया x की वैल्यू आ गई 5। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 रहता है x माइनस 5 बाय 3 x माइनस 3 बाय 5। हमें दोबारा से राइट कर रहे हैं अगेन, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास x माइनस 5 इक्वल्स टू जब 3 साइड मल्टीप्लाई के ले जाएगा 3 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 3 आ जाएगा। अब हम 5 से दोनों को मल्टीप्लाई ऐसे तो 5x 25 आ गया 3x माइनस 9 आ। जब 3x लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का 3x आया और माइनस 9 प्लस 25 2x इक्वल्स टू 16 आ गया। और जब 2x से हम 16 को कट करेंगे तो हमारे पास x का आंसर 8 रहता है। जो नेक्स्ट के दो क्वेश्चन है हुआ होमवर्क रहता है, थ्री टी माइनस 2 बाय 4 माइनस 2t प्लस 3 बाय 3 3 माइनस 2 बाय 3 माइनस 3। इसी के साथ ये था आपका फिफ्थ क्वेश्चन और सिक्स है m माइनस 1 बाय 2 इक्वल्स टू 1 माइनस m माइनस 2 बाय 3। होमवर्क दो क्वेश्चन रहता है, इन क्वेश्चन को करने के बाद आप लोग बताएंगे क्वेश्चन हुए कि नहीं। थैंक यू।